बाप को छोड़ रही है। तेरी माँ ने नौ महीने पेट में रखा तेरे को, शर्म कर। गलत है बेटा, गलत है। यहाँ से करता है, यहाँ क्या करता है? नहीं, इसका कटा हुआ यार, इसने काटा, इसके पीछे बैठा। अरे इसका भी तो लगाओ, हमको इसका तो लगाओ। ये लो भाई, ये देखो, ये देखो, ये बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, सारे बनाओ फेसबुक पे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में जिस हिसाब से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है उनसे जो है कहा जाए कि राजधानी दिल्ली अपराधों की राजधानी है तो वो गलत नहीं होगा। हर एक दिल्ली वाला इस वक्त जो है राजधानी दिल्ली में रहने से डर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि रोज की जो है वारदातें सामने आती ही रहती है। राजधानी दिल्ली में अभी साक्षी मर्डर केस ठंडा भी नहीं हुआ था कि दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से एक और खौफनाक घटना हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। दरअसल इस घटना में पहाड़गंज में रहने वाले एक युवक ने इंदरपुरी में रहने वाली एक युवती के ऊपर चाकू से हमला किया। बताया ये जा रहा है कि युवक और युवती एक संबंध में थे और उन दोनों के बीच में जो है लड़ाई हो गई जिस कारण युवक को गुस्सा आया और उसने चाकू उठा के युवती के हाथ की नस काट दी। उसका एक वीडियो भी हमारे सामने आया है, हालांकि हम आपको पूरा वीडियो दिखा नहीं पाएंगे, हमने इसे ब्लर करा है, ब्लैक एंड व्हाइट करा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देख के कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से उस युवती के हाथ से खून बह रहा है और वहां मौजूद लोग जो है उस युवती को समझा रहे हैं कि किसी के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस मामले में एक और बात जो सामने आई है वो ये है कि लड़का जो है बताया जा रहा है कि मुस्लिम है और लड़की हिंदू है, तो लोग जो ऐसे गलत तरीके से भी सामने ले रहे हैं कि किस तरीके से जो है इन दिनों ये वारदातें सामने आ रही है जहां पर दूसरे समुदाय के लोग जो है दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब लोगों के मन में क्या मानसिकता है इस बात की तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा राजधानी दिल्ली में जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं उससे कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोगों को होता क्या जा रहा है। फिर चाहे वो निक्की मर्डर केस हो, श्रद्धा मर्डर केस हो या फिर अभी हाल ही में आया साक्षी मर्डर केस, सबके पीछे की जो घटना थी, अभी जो मामला सामने आया है कि जिसमें युवक ने युवती के हाथ की नस काट दी, इस घटना में तो सिर्फ और सिर्फ हाथ की नस कटी है लेकिन अगर उस युवक को ज्यादा गुस्सा आता तो शायद उस युवती को वो जान से भी मार सकता था। आस पड़ोस के लोग जो है इस लड़की को समझाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उस युवती के जो है हाथ की नस कट गई है। इसके अलावा लोगों ने जो है इस युवक को भी घेर रखा है ताकि वो कहीं भाग ना सके और शायद से उसे जल्द से जल्द पुलिस को भी हवाले कर दिया गया था। लेकिन जो इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही है इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार युवकों को होता क्या जा रहा है, क्यों इस तरीके की मानसिकता उनके मन में आ रही है, क्यों वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये जा रहा है कि इन दिनों जो है लोगों के मनों में गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर हमने एक वीडियो भी की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था किस तरीके से युवकों के मन में आजकल के जो यूथ है उनके मन में गुस्सा बढ़ रहा है और किस कारण वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी प्यार किया करते थे लोग, ब्रेकअप पहले भी होते थे, लेकिन अब जिस तरीके की घटनाएं राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है वो बेहद ही शर्मसार है। फिर चाहे वो किसी युवक द्वारा किसी युवती का हाथ काट देना हो या फिर उनकी जान ही ले लेना हो, तो देखिए इस तरीके की घटनाएं जो है काफी ज्यादा सवाल खड़े करती है राजधानी दिल्ली की पुलिस पर और हमारे जो कानून है उस पर भी कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार क्या हमारा कानून इतना कमजोर है कि लोगों के मन में कानून का डर ही नहीं है, इस वजह से जो वह इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उन्हें ये लगता है कि अरे हम तो रिश्वत देकर छूट ही जाएंगे। क्योंकि ऐसी कई घटनाएं भी सामने आई जिसमें क्राइम करके जो है लोग आसानी से जेल से छूट जाते हैं, तो लोगों के मन में जो है कई तरीके का डर खत्म होता जा रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो है रिश्वत देकर छूट जाएंगे या पुलिस हमें छोड़ देगी या कोर्ट से हमें बेल मिल जाएगी, जिस कारण जो है वो लोग इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटते। इसके अलावा गुस्सा तो एक मुख्य कारण है ही कि किस तरीके से लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर जो लड़के हैं युवक हैं उनके मन में जो एक ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ रहा है लड़कियों को लेकर कि कोई लड़की हमसे आगे कैसे बढ़ सकती है या फिर कि किस तरीके से जो है लड़की हम पर हुक्म चला रही है या फिर हमारी बात नहीं मान रही, तो इस तरीके से जो है लड़कों के मन में गुस्सा आ रहा है जिस कारण इस घटनाओं का जो है बढ़ोतरी है वो ही हो रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार भी ये माना गया है कि किस ये जो मुख्य कारण यही है कि लोगों के मन में इन दिनों गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिसको लेकर अभी काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपकी इस घटना को लेकर क्या कुछ राय है, जो भी ये घटना दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से आई है उसको लेकर आपकी क्या राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।